दिस इज प्रद्युम गौरव और मैं आज एक फिर से एक अच्छा टॉपिक लाया हूँ आपके लिए कि हाउ मतलब एक टाइम टेबल कैसा दिखता है हम लोग की यूनिवर्सिटी का और टाइम टेबल फॉर द फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। सो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम लोग का ऐसा आता है, ये अभी फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आता है। ओके सो ये आप देख सकते हैं 2018 से 2019 का, जब मैं फर्स्ट कोर्स में था। और ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये एक पोतोक, फिर ये दूसरा पोतोक, ये पांच पांच ग्रुप के जब लेक्चर होते हैं तब ये ऊपर ये लिखा आता है। ओके और हम लोग की ईयर में पूरे 120 ग्रुप थे जो कि आप देख सकते हो, और हर एक ग्रुप में मीन्स 15 या 16 बच्चे एवरेज में। सो मेरा 105 ग्रुप था जो कि ये है, और ये मंडे है, और ये टाइमिंग है कॉलेज की। ओके तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा शेड्यूल थोड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, इसलिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फर्स्ट जैसे मेरी 1 बजे मंडे को। और हाँ, एक और चीज़ बतानी थी, जैसे इसमें वीक 1 और वीक 2 के अलग अलग टाइम टेबल रहते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम टेबल है, जैसे आप देखेंगे यहाँ सैटरडे आ गया और फिर यहाँ सेकेंड वीक लिखा रहा है। सो यही है, वीक 1 और वीक 2 अलग अलग रहता है, एक वीक का अलग, एक दूसरे वीक का अलग। और ऐसे फिर जनवरी से जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसमें नया टाइम टेबल आता है जिसमें थोड़े सब्जेक्ट्स रहते हैं अलग। सो मेन स्टार्ट करूंगा मेरी, जैसे मंडे को 105 मेरा ग्रुप था, 105 तो प्यात। सबसे पहले 1 बजे क्लास में ये लगती थी रशियन की, ये लगती थी हम लोग की 5th कॉर्पस में। ओके देन हिस्ट्री लगती थी हम लोग की 3rd कॉर्पस में। अब 3rd कॉर्पस में हम लोग को जाना पड़ता था। अब आप देखो कि 13 13 है, 13 मतलब 1 130 तक हम लोग की क्लास रहती थी, और 130 से 2 का हम लोग को 130 से 2 का हम लोग को गैप रहता था, सॉरी, अरे हाँ 130 था, 1 1 बजे हम लोग क्लास रहती थी रशियन की। अब 230 तक मतलब 1.5 घंटे की क्लास रहती थी, 1.5 घंटे में 230 से 3 तक का गैप रहता। अब उसमें आपको 5th कॉर्पस से लेके 3rd कॉर्पस जाना है, तो आप बाय बस जा सकते हैं या बाय टैक्सी जा सकते हैं। ओके अब हिस्ट्री की भी हम लोग इतने क्लास लगती थी। फिर 5 बजे से देखिए आप एनाटॉमी की क्लास है, 17 5 है ना ये, हाँ 5 बजे से हम लोग की एनाटॉमी क्लास लगती थी 2nd कॉर्पस में। तो आप 3rd कॉर्पस से मतलब फिर 2nd कॉर्पस आओ, तो देख सकते हो कितना गैप कम है, और आपको भाग भाग के या टैक्सी ले लेके कॉलेज में जाना पड़ता है। और एनाटॉमी की मैंने बोला था कि जो कम सब्जेक्ट वाले रहते हैं उनकी 1.5 घंटे की लगती है, और जो मेन सब्जेक्ट है उनकी 3 घंटे की लगती है। तो एनाटॉमी की देख सकते हो आप 3 घंटे की। ओके सो ऐसे ही, अब ये वाला हम लोग का सेक्शन नहीं है, हम लोग का सेक्शन ये मेन है क्योंकि मेरा ग्रुप 105 इधर आ रहा है, ठीक है। अब यही नीचे नीचे चलते जाना। अब 2nd डे का जैसे मैं बताऊँ, ट्यूसडे का, तो उस दिन हम लोग की 8:30 बजे नर्सिंग रहती थी। कहाँ पे? या तो 3rd कॉर्पस या तो 5th कॉर्पस। 5th कॉर्पस में रेयरली लगती है, पर मेन डिपार्टमेंट वहीं है, पर आपकी मैम के ऊपर अलाउड है कि वो 5th कॉर्पस में रखे या 3rd कॉर्पस में। अगर ओल्गा मैम रहती है तो आपकी 5th कॉर्पस में लगेगी, और जुल्फीरा या कोई और रखती थी तो आपकी 3rd कॉर्पस में लगती है। फिर एक दो रशियन है, रशियन में देख सकते हैं 1 बजे से रशियन, 1 से लेके 3 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक आपका रशियन लगता है। 5th कॉर्पस से आप छूटे तो आपका ये देख लो, यहाँ से लेकर ये जितना दिख रहा है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल कुल्तूर आपका लगता था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसमें पूरे 20 की 20 ग्रुप उधर आते थे। सो नेक्स्ट बताऊंगा, अब इसमें लेके जैसे 5 बजे से है तो 5:30 6:30 5 to 6 6:30 1.5 घंटे की आपकी एक क्लास लगती है, तो 6:30 आप छूट रहे हैं। कब कई देख लिया, अब कितना बिजी शेड्यूल कि 8:30 सुबह से 6:30 तक, ऐसे ऐसे भी शेड्यूल होते हैं। कई बार आपको छुट्टियां भी मिल जाती हैं, आपकी किस्मत के ऊपर है। अब जैसे ये हम लोग का 3rd वेनसडे का दिन, वेनसडे के दिन सुबह 2 रशियन है, 8:30 से क्या बोलते हैं, 8:30 से 10:30, 10:30 से 12, फिर 1 घंटे का बीच में गैप है, 1 घंटे में आप यहाँ आ जाइए फिफ्थ अपने हॉस्टल। फिर वहाँ से अब इन लोग की तो क्लास है, हम लोग की नहीं रहती थी, हम लोग की फिर सीधा 3 बजे रहती थी 5th कॉर्पस में नर्सिंग का लेक्चर। अब नर्सिंग का लेक्चर देखो पूरा एक उसमें दिया हुआ है येलो में, मतलब पूरे 5 ग्रुप बैठेंगे, उसके बाद हम लोग का फ्री रहता था। तो ऐसे भी मिल जाती कई बार आपको। थर्सडे का शेड्यूल देखो तो 8:30 से क्लास नहीं है, हम लोग का डायरेक्ट 10:30 से लेक्चर है 3rd ऑडिटोरियम है, जो कि आपका 3rd कॉर्पस में। फिर 2 रशियन के बाद क्लास छूट जाती थी, मतलब ये आपका 1 से 3 3 से 4:30 4:30 बजे क्लास छूट जाती है आपकी। फिर फ्राइडे का आप शेड्यूल देखेंगे तो फ्राइडे में देखो कुछ नहीं है, हम लोग को सिर्फ 2 रशियन रहती थी, उसके बाद पूरा दिन फ्री है, मतलब एक
10:30 से 12:30 बजे तक हम लोग छूट जाते थे। सैटरडे का आप शेड्यूल देखो, सैटरडे भी हम लोग की 2 क्लासेस रहती थी और फिर एक फिजिकल एजुकेशन है, ये जो सबका रहता था 20 ग्रुप का, ठीक है, ऐसा रहता है। अब ऐसे ही सेकेंड वीक का टाइम टेबल, ये वीक 2 में आ गया हूँ मैं। वीक 2 में 105 की क्लासेस, हम लोग की क्लासेस फिर यहाँ पे 1 बजे से स्टार्ट हो रही है। किस्मत देख रहे हो, 1 बजे से क्लास होती थी हम लोग की, और 1 बजे से लेके 18:30 मतलब 6:30, 7:30 या 8 तक पहुँचते थे हम लोग की। 5 बजे से 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटे की रहती थी हम लोग क्लास। सोचो इतना लंबा चलता था हम लोग का। अब वही है, टाइमिंग के ऊपर है। अभी तो टाइमिंग बहुत अच्छी कर दी है इन लोगों ने, सुबह ही लगाते हैं। कभी कभी रहता है आपका कि रेयरली आपको रात तक जाना पड़े। अब ये वाला जैसे ट्यूसडे का था, नर्सिंग और रशियन। अब ये 8:30 से हम लोग की चल रही है, कब तक, 3:30 तक, और एक आखिरी क्लास फिजिकल एजुकेशन भी रहता था, ये भी है। फिर ऐसी वेनसडे का टाइम टेबल, वेनसडे में फिर से हम लोग की 2 रशियन 8:30 से 10:30-12 तक। फिर थर्सडे का टाइम टेबल भी देखोगे आप, 5th कॉर्पस में हम लोग का बायोलॉजी का लेक्चर है, जो 2 हफ्ते में एक बार लगता है बायोलॉजी का। मैंने बताया था ये अपनी वीडियो में, जो टाइम टेबल और उसके हिसाब की थी, उसमें मैंने चीज़ बताई हुई है कि बायोलॉजी 2 हफ्ते में एक बार लगता है, पर नर्सिंग और रशियन हम लोग के हफ्ते में एक बार लगता है। तो बायो का लेक्चर होगा, रशियन रहेगी। अब सेकेंड हफ्ते में जैसे देखो, 2 वीक में कभी एक बार आपका बायोलॉजी पड़ेगा, तो इसमें आपका जैसे मेरा ये सुबह रशियन है, और फिर उसी 5th कॉर्पस में ही हम लोग का ये है, क्या बोलते हैं, 5th कॉर्पस में हम लोग का बायोलॉजी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे रशियन बोल्ड में नहीं लिखा, यहाँ पे बोल्ड में लिखा। इसका मतलब ये रहता था कि जो बोल्ड वाले लेटर है वो हम लोग की पूरी 5th कॉर्पस में होंगी, जो अरमादा हॉस्टल के पास है, पर वही जो बोल्ड में नहीं है वो आपकी फर्स्ट कॉर्पस नहीं स्थलोवाया में रहती है। स्थलोवाया में मीन्स आपको दिमित्री विस्की पैरालॉग जाना पड़ता है, जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है सुबह। तो ये एक थोड़ी दिक्कत पड़ती है सुबह का। सैटरडे में देखो हम लोग की नहीं है, सिर्फ 2 लेक्चर हैं, एक हिस्ट्री का लेक्चर है और एक एनाटमी का लेक्चर है और एक फिजिकल एजुकेशन, फिर हम लोग की छूट जाती थी, ठीक है। अब ये हो गया मेन आपके फर्स्ट सेमेस्टर का। अब सेकेंड सेमेस्टर का मैं दूसरे में बताता हूँ। सो देखिए, मेरे पास ये वाला है जो मैंने अभी एक स्टूडेंट से मांगा है, 105 का, वो मेरे पास क्योंकि 2 साल पहले का था इसलिए मेरे पास गुम हो गया था। तो ये आपका फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल कुछ ऐसा रहता है। आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं जैसे फिजिक्स हो गया, ये सब है, ये सब आपके हट जाते हैं और कुछ नए सब्जेक्ट आते हैं, वो मैं बताता हूँ। हाँ, तो यही जैसे मैंने बताया था कि हम लोग का इसमें फिजिक्स है, तो अब इसमें नहीं होता है, ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो जैसे फिजिक्स है, अब मैं आपको फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का बताता हूँ। उसमें जैसे आपका मंडे को देखो 2 गैप हैं, यहाँ पे रशियन है, फिर 2 नर्सिंग है जो आपका 8:30 तक जा रहा है, ये आपके रात का है, ओके। फिर यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे में रशियन 1 जो आपकी 10:30 से स्टार्ट होती है, फिर एक और रशियन, मतलब फर्स्ट ईयर में आपके 2 रशियन रहेंगे मैक्सिमम, और जो 3 से 4:30 बजे रहता है वो फिजिकल एजुकेशन, बाकी में आपके गैप हैं। फिर आपका वेनसडे को एनाटमी, ये MI का लेक्चर है, MI का मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स से फिजिक्स की जगह ये चेंज हो जाता है, पर आपका टीचर सेम रहेगा, जो फिजिक्स में था फर्स्ट ईयर में वही आपका MI में रहता है। और फिर यहाँ पे लेक्चर केमिस्ट्री भी आ जाता है, यही 3 आते हैं, MI, केमिस्ट्री और लैटिन मेनली। फिर आप जैसे थर्सडे देखोगे तो 3 रशियन लगाए यार, तो वही बहुत हैट्रिक हो जाता है, बहुत रहता है शेड्यूल थोड़ा, पर वहीं सेकंड ईयर में आके रशियन कम हो जाती है, ठीक है। तो 3 रशियन के बाद देखो आपका 1 लैटिन 4:30 बजे आप छूट जाएंगे। तो वही है हम लोग का जो रशियन कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, उसमें एक डेफिनेट टाइम नहीं होता कि कब आप छूटेंगे, चाहे सुबह लग जाए तो जल्दी छूट जाओगे, जल्दी लग जाए तो थोड़ा बाद में छूटोगे। ऐसी केमिस्ट्री लैटिन, फिर रशियन लेक्चर आपका बायोलॉजी का, नहीं सॉरी हिस्टोलॉजी का, हाँ सेकंड सेमेस्टर में आपका फिर हिस्टोलॉजी स्टार्ट हो जाता है, बायो तो रहेगा, फिर आपका रशियन 3 रशियन है, फिर ये देखो रशियन लैटिन है, केमिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन, एनाटमी का लेक्चर, फिर फिजिकल एजुकेशन, ऐसे टाइप का कोई शेड्यूल है आपका। फिर बायोलॉजी का लेक्चर है आपका थर्सडे को, ये वीक 2 स्टार्ट हो गया देखो मंडे से। फिर MI का 2 क्लास रहती हैं, MI में आपको पता नहीं वो नॉर्मल करवाते हैं,
कंप्यूटराइज्ड काम रहता है, जो फार्मा इन सब लोग का काम रहता है, वो लोग जो कंप्यूटर में वो सब थोड़ा सिखाते हैं, तो सीखो नहीं सीखो एक बराबर है, रशियन है। फिर यहाँ पे देखो हिस्टोलॉजी है, क्लास है, हिस्टोलॉजी की क्लास है रशियन। फिर आपका नर्सिंग का यहाँ पे लेक्चर रहेगा, फिर बायोलॉजी, बायोलॉजी की दो क्लास है, फिर रशियन रशियन। तो कुछ ऐसा टाइप का शेड्यूल रहता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा किस टाइप का रहता है, इतना पूरा रहता है। तो चलो थैंक यू, यही मुझे समझाना था। और आई होप आपको अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक भी कर देना यार। और जिसको जो वीडियो रहती है वो बता दिया करो। किसी को मेरे से कुछ पूछना रहता है तो डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम में आके आप मेरे को बोल सकते हैं, या मेरा नंबर भी मैंने कई जगह पे शेयर किया हुआ है, उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।